पन्ना जिले में शराब ठेकेदार ने एक मासूम की जान लाठी डंडों से मार मार कर ले ली। मृतक का नाम नरेंद्र सिंह बताया जा रहा है। इसके परिवार के बीच पन्ना जिले के युवा नेता भुवन विक्रम सिंह ने पहुंचकर न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को घटना के बारे में वीडियो कॉल के जरिए अवगत कराकर स्वयं पुलिस अधीक्षक और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है। थाना गुनेर पुलिस का अपराधियों पर नियंत्रण नहीं रहा है। घटना के कई घंटे बाद भी पुलिस ने आला अधिकारी पहुंच नहीं रहे। पूरा मामला यह है कि प्रार्थी का भतीजा साकेंद्र और दुर्गेंद्र सिंह जयपाल अपनी मोटरसाइकिल से अपने रिश्तेदार गुलाब सिंह सिमरिया घर से वापस अपने गांव सिमरी सूरत आ रहे थे, तभी रात के 11 बजे बहरासर गांव के जगदीश स्वामी मंदिर के पास दो अन्य व्यक्ति सभी पुलिस की वर्दी में क्रीम कलर की बिना नंबर की बुलेरो गाड़ी लेकर आए और एकदम से बुलेरो को मोटरसाइकिल के आगे लगा दिया। तभी बुलेरो गाड़ी से उक्त सभी लोग अपने हाथों में लाठी डंडा और हाकी और लोहे का पाइप लेकर उतरे और बोले कि मारो इसे, जान से खत्म कर दो। सभी लोगों ने पीड़ित साकेंद्र को जान से मारने की नीयत से मारना शुरू कर दिया और इतना मारा कि मरा हुआ समझकर छोड़कर भाग गए। वह मुश्किल किसी की तरह हमने डायल 100 को सूचना पहुंचाई। डायल 100 के द्वारा मौके पर पहुँच कर उक्त घायलों को गुनेर अस्पताल पहुंचाया गया है। पन्ना से चरणजीत सिंह बंजारा की रिपोर्ट। दिस इज द बॉयज फादर, ये पिता है हुकुम बच्चे के। ये शनिवार 21 तारीख की रात में शाकेंद्र शाकेंद्र सिंह हुकुम शाकेंद्र सिंह जी। दादा बिल्कुल निश्चिंत हो, जो भी बताया है भुवन भैया ने, भुवन राजा ने जी, हम तुरंत बात करेंगे एसपी साहब से और आईजी से भी और आपके बेटे को न्याय दिलवाएंगे। निश्चिंत हो, हम सब खड़े हैं आपके साथ जी। देखिए ये मामला जो है आप लोगों के सबके संज्ञान में है। नौजवान लड़का था, अभी कुछ महीने पहले ही सूरत से गुजरात से लौट के आया था कोरोना के चलते। इसको जो शराब माफियाओं ने जिस कदर से इसकी मारपीट इसके साथ हुई थी, एक आध हफ्ता करीब अस्पताल में रहने के बाद इसकी मृत्यु हो गई, तो उसी के संदर्भ में हम लोग एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे कि जो अस्पताल में रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो उसी के संदर्भ में हम लोग एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे कि जो केस की कायमी अभी तक नहीं हो पा रही उसमें कायमी हो। 304 का मुकदमा जो है वो कायम करवाना चाहते हैं। जो भी ठेकेदार हैं ये लगभग आप लोगों के सबके संज्ञान में है कि लगातार मारपीट नौजवान युवकों के साथ करते हैं, जिससे भी इन लोगों को तकलीफ़ होती है, ईर्ष्या होती है, उनके यहाँ पर ज़बरदस्ती दारू रखवा के और केस कायम करवाया जाता है। पर जहाँ तक कि कायम में थी तब तक तो सब शांत थे, किसी ने उस पर आवाज़ नहीं उठाई, पर अब जो इन्होंने हत्या करने का जो सिलसिला जारी कर दिया है इससे सभी लोग थोड़ा सा विचलित हैं और उसी से एसपी साहब अवगत कराने के लिए हम लोग आए। इसमें पुलिस की भूमिका कितनी संदिग्ध है, अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है? देखिए मामला दर्ज नहीं हुआ है ये हम लोगों ने तथ्य एसपी साहब के सामने रखा है। बाकी पुलिस की क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट रही है, तो ये क्योंकि एसपी साहब के सामने हम लोग बात रख चुके हैं तो हम लोग उन पर विश्वास रखते हैं कि उसकी जांच होगी और जो भी सत्यता होगी वो बाहर आएगी। कौन थे शराब माफिया जिनके द्वारा मारपीट की गई? अब ये प्रवीण राय, वीरेंद्र राय वगैरह का जो ग्रुप है यही यहाँ पे काम करता है। अब इसमें से किसका कितना इन्वॉल्वमेंट रहा है पर्सनली वो तो हम नहीं कह सकते, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही समझ में आएगा, पर जो दुकान पे जो कर्मचारी थे उन्होंने तो मारपीट की है ये सत्यता है। पूर्व में भी पवई विधायक प्रहलाद लोधी से कुछ इनका वाद विवाद हुआ था? अब व्यक्तिगत किसी से क्या विवाद हुआ है उससे हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं, पर जो मारपीट ये लोग रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं वो ना हमने चाहते हैं कि अब रुके, क्योंकि नौजवान युवकों की जान जा रही है। सही समय पर यदि कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, विश्वास है हमें कि कार्रवाई होगी। इस माध्यम से शिकायत करने आए थे, क्या मामला था और किस तरह की शिकायत थी और क्या कारण? ये गुनौर थाना क्षेत्र का मामला है, इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। अभी जबलपुर में उनको रेफर किया था, बहुत चोटें आई थी, तो जबलपुर में उनकी मृत्यु हुई है। उस पर से उनके परिजन कुछ लोगों के साथ में आए थे और उनका ये आवेदन था कि कुछ लोगों से उसकी मारपीट हुई थी और उस मारपीट के कारण उसकी मृत्यु हुई है, तो उनका आवेदन ले लिया गया है और संबंधित थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने के लिए बोला। कुछ शराब ठेकेदार के लोग थे, मारपीट कर की गई है ऐसा आरोप लगाया गया है परिजनों द्वारा। उनका मामला की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेकर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।